हेलो किसान भाइयों, आज आमदनी के माध्यम से हम ला रहे हैं गन्ने से गुड़ बनाने का ए टू जेड प्रोसेस। भारत में चीनी के साथ साथ गुड़ भी लगभग हर घर में यूज होता है। क्या आपको पता है गुड़ का प्रयोग अलग अलग डिशेस को टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए किया जाता है। गुड़ चीनी से काफी अच्छा और स्वस्थ ऑप्शन है। इसको गन्ने के रस से बनाया जाता है। गुड़ की डिमांड साल भर बनी रहती है। इसका बिजनेस एक लाभदायक बिजनेस हो सकता है। अगर आप भी गुड़ बनाने का काम शुरू करना चाहते हैं तो आप भी आराम से इस काम को शुरू कर सकते हैं। रॉ मटेरियल, गुड़ बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर आपको गन्ने की जरूरत होती है, जिसे आप चाहें तो डायरेक्टली किसानों से ले सकते हैं। इसके अलावा गन्नों की होलसेल मंडी से भी गन्ना लिया जा सकता है। इसके अलावा आपको भिंडी के म्यूसिलेज, जो कि भिंडी की फसल का वेस्ट होता है, खाने वाला सोडा और सरसों के तेल की जरूरत होती है। एरिया, बात अगर एरिया की करें तो जो प्लांट आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये 1 एकड़ एरिया में बना है। यही अगर आप इसे छोटे स्केल में शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लगभग 4,000 से 5,000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ेगी, जिसमें प्रोसेसिंग प्लांट का एरिया 2,000 स्क्वायर फीट के आसपास होगा। मशीन एंड इक्विपमेंट, अब जान लेते हैं प्लांट के मशीन और इक्विपमेंट के बारे में। मशीन में हमें शुगर केन यानी कि गन्ना क्रशर की जरूरत होगी। इक्विपमेंट में स्टोरेज टैंक, बॉइलिंग के लिए स्टील के 4 बड़े कैटल, दोहरा बड़ा चम्मच जिससे रस को एक कढ़ाई से दूसरी कढ़ाई में डाल दिया जाता है, और गुड़ को बार बार पलटने के लिए पलटावर यानी कि बड़े चम्मच का यूज किया जाता है। प्रोसेस, अब जान लेते हैं गुड़ बनाने के प्रोसेस के बारे में। गुड़ बनाने के लिए सबसे पहले अच्छी क्वालिटी वाले गन्ने चुनकर साफ कर लिए जाते हैं। इसके बाद क्रशर मशीन की मदद से इसका रस निकाल लिया जाता है। रस पाइप के जरिए टैंक में जाता है। अब इस टैंक में रस को फिल्टर किया जाता है। फिर ये रस टैंक के पाइप के माध्यम से पकने के लिए 4 बड़ी कढ़ाई में जाता है। गन्ने का रस पकाने के लिए आग की आवश्यकता होती है। इसके लिए जमीन में गड्ढा करके चूल्हा तैयार करना होता है। इसी चूल्हे पर 1 बड़ी कढ़ाई चढ़ाई जाती है, जिसमें गन्ने का रस डाल दिया जाता है। चारों कढ़ाई में आग के द्वारा हीट दी जाती है। पहले में कम, दूसरे में थोड़ा ज्यादा, तीसरे में उससे ज्यादा और चौथे में सबसे ज्यादा हीट रखी जाती है। इन कढ़ाइयों में गन्ने के रस को पकाने के दौरान सोडा और भिंडी के म्यूसिलेज को गन्ने के रस में मिला दिया जाता है, जिससे कि उसमें मिला हुआ स्कम यानी कि मैली ऊपर आ जाती है, जिसे उबलते रस से बाहर निकाल लिया जाता है। पकने के बाद रस अलग कलर का दिखने लग जाता है। अब इसको चाक यानी कि लार्ज ट्रे, बड़ी ट्रे पर डाल दिया जाता है। चाक में डालकर इसे 15 से 20 मिनट पलटा जाता है और इसे टाइट किया जाता है। चाक पर यह प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। अब आप इसे सांचे से या सांचा ना होने पर हाथ से गुड़ का रूप दे सकते हैं। मैन पावर, बात अगर मैन पावर की करें तो इस बिजनेस में भाई 15-20 वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। पावर लोड, इस बिजनेस के लिए आपको 10 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर की आवश्यकता होगी। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। इस टाइप के स्मॉल स्केल मैनुअल प्लांट के लिए, जिसकी रेटिंग गन्ना प्रोसेसिंग कैपेसिटी 200 से 250 क्विंटल होती है, उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 15-20 लाख होती है। प्रॉफिटेबिलिटी, बात अगर प्रॉफिट की करें तो ऐसे प्लांट में डेली भाई 20 से 25 क्विंटल गुड़ प्रोसेस्ड हो जाता है, जो कि 200 से 250 क्विंटल गन्ने से बनता है। अगर लागत की बात करें तो 25 क्विंटल गुड़ में सारे खर्चे निकालकर लगभग 10 से 12 हजार की लागत आती है, जिसके बाद 1,000 से 1,500 रुपये रोज का प्रॉफिट होता है। अब बात करें लाइसेंसेस की। इस बिजनेस में आपको कुछ लाइसेंसेस की जरूरत होगी, साथ में ही आप सरकारी स्कीम का भी लाभ उठा सकते हैं। लाइसेंसेस जैसे FSSAI, GST, उद्यम, NOC फ्रॉम फायर सेफ्टी एंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ट्रेडमार्क।